यूपी। जिला संवाददाता रिजवान उद्दीन, व्यापारी की हत्या व ऑनलाइन हुई चोरी का खुलासा। थाना बनकी कस्बा क्षेत्र में दिनांक 29/30/01/02/03 की रात को घर के अंदर व्यापारी की हत्या व ऑनलाइन हुई चोरी का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी व जीजा के साथ मिलकर 7 लाख में दी थी हत्या की सुपारी। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। नवरी को कस्बा विंदकी में बड़ी ही एक लोमहर्षक घटना हुई थी। अमित गुप्ता नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उनकी पत्नी को हाथ पैर बांध दिया गया था, जैसा कि उनका कहना था। मृतक की माताजी की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें घटनास्थल पे जाने पे ही ये शक हो गया था कि इसमें कहीं न कहीं किसी परिजन का हाथ है और वो बात सत्य निकली। आपसी मनमुटाव था अवैध संबंधों को लेकर के अमित गुप्ता और इनकी पत्नी पूनम में। ये लोग इंटरकास्ट मैरिज भी किए थे, दोनों एक ही बिरादरी के नहीं हैं और पहले भी ये मामला विवाद में रहा है। काफ़ी पंचायतें भी हुई हैं, महिला अपने मायके अपने जीजा के यहाँ भी चली गई थी, फिर वापस आई थी। इन बातों को लेकर के आपस में मनमुटाव था। ये अपना फ्लैट एक इन्होंने मुंबई में बेच दिया था, इनके पास 3 फ्लैट और थे, उसको भी ये बेच करके यहाँ पर रहना चाहते थे अपनी माँ अपने परिजनों के साथ, जिसको पत्नी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। ये 5 दिन पहले, घटना के 5 दिन पहले आ गए थे, इनका मकान बन रहा था, पत्नी 5 दिन बाद आई हैं। इस 5 दिन में इन्होंने अपना सेटिंग किया। इनके जीजा है राम खिलौन थार थाना क्षेत्र में, उनका एक मित्र है अविनाश यादव, वो इस महिला के तथाकथित प्रेमी हैं और अपने जीजा के माध्यम से उससे परिचय हुआ। उसके खाते में इसने 85,000 रुपया वहाँ से ट्रांसफ़र किया आने के पहले, ये हमारे पास रिकॉर्डेड है। और उनको 7 लाख रुपए में ये दे दिया इसको कि इनका हत्या अगर की जाएगी तो 7 लाख रुपया हम आपको देंगे, और उसी के तहत ये 5 लोग उस दिन आए थे घटना में, जिसमें एक शेरा है, अभी छूट के जेल से आया है, गैंगस्टर का मुलजिम भी रहा है। इस पर 14 मुकदमे हैं कानपुर नगर से लेकर के फतेहपुर में, बहुत ही शातिर अपराधी है। केशव गुप्ता भी है, इस पर भी ढेर सारे केसेज हैं। और इसी तरह इनका एक साथी है अंशुल पासवान, मोहित, अविनाश तो है ही है, तो ये 3 पकड़े गए हैं, शेरा, केशव और अंशुल। बाकी 3 अभी हमारे वांटेड हैं।